नीमच जिले में कमल सरोवर की नगरी जावी में जावी सरवनिया महाराज मार्ग पर 400 वर्ष पुराने ऐतिहासिक श्री गुजरखेड़ा धाम मंदिर पर द्वितीय दिवस की गुजरखेड़ा सरकार सगस बाबूजी के जन्मोत्सव के निमित्त अभिषेक महाआरती देवमल्ली कार्यक्रम भंडारा एवं विशाल शोभा यात्रा कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर्वप्रथम महोत्सव के आचार्य घनश्याम त्रिवेदी शास्त्री पाल सोड़ा व सहायक आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक स्थापना हवन महाआरती व पुष्पांजलि करवाई। तत्पश्चात भंडारा व शोभा यात्रा निमित्त महाआरती की गई और भंडारा प्रारंभ हुआ। हजारों की संख्या में भक्तजनों माताओं बहनों बच्चों ने प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात श्री गुजरखेड़ा सरकार व नाथों के नाथ अघोरी नाथ का बेवाण सुसज्जित झांकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकला। शोभा यात्रा का नगर में प्रवेश होते ही इंद्रदेव ने भी जल बरसाकर स्वागत किया। शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई गुजरी। शोभा यात्रा में पूरे समय भक्तजन माताएं बहिने भजनों पर थिरकते रहे। दो दिवसीय कार्यक्रम का शोभा यात्रा के बाद समापन हुआ। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश राजस्थान के कई स्थानों में पधारे भक्तजन ने महोत्सव का आनंद लिया। आप देख रहे हैं जावी से दिलीप पाटीदार की यह विशेष रिपोर्ट। गुजरखेड़ा धाम पर पधारे, आपका अनुभव बताएं आप। बहुत आनंद भी आया। आपका नाम? सबको और सब देवत होतारी हुए, सबको जन्म धरा पे मानव हित के मिले हुए और मारो बेणी निमित्त भी हो तो वो है और आगे भी संसार के के बने मानव का हित के बने भारती जो भी वेगा तू वो सब करूँगा और मारो तो धर्म भी यही है और मारो के सब देवत को एक ही तरफ है संसार को कल्याण करो मानव ने सदमार्ग बताओ मानव कल्याण करो यो आज है जो करता रहना आज मारो उत्सव थाने कीधो हूँ घो राजी हूँ भक्ता में उत्सव के निमित्त कई प्रेम बढ़े तो ऐसा उसको सदैव मनाओ मारो जन्मदिन भी वे तो भी उत्सव मनाओ जनी प्रेम बढ़े मानवता बढ़े बस उत्सव सदैव सम्मिलित भी सब मनाओ और मु सबके लारे हूँ और मार पास देवा बोले तो कई को नहीं दू हाथ है आशीर्वाद तू सबको कल्याण रहे धाम का नाम आज चौहर फैला है इसके बारे में बताएं आप कि क्या की महिमा क्या है। गुजरखेड़ा बादशाह जो है यहाँ पर जितने भी यात्री आते हैं भक्तगण आते हैं उनको मानवता का जो प्रथम धर्म है मानव का प्रथम धर्म है कि अपनी जो उत्पत्ति हुई है अपने माता पिता की सेवा करना और उन भक्तों का संकट आते हैं इस कारण से चौं और उनका नाम मिला हुआ। आपका नाम? आज का जो उत्सव हुआ उसके बारे में जानकारी बताएं। ये जो उत्सव था प्रति वर्ष एक दिन गुजरखेड़ा भाषा के जन्मोत्सव रूप में मनाते हैं। इस वर्ष दो दिनों का आयोजन था, एक दिन मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन था और आज गुजरखेड़ा भाषा का जन्मोत्सव था। काफ़ी हर्षोल्लास से मना, ग्रामीण जनता ने अच्छा सहयोग दिया, अच्छा सेवकदारों ने सहयोग दिया, सभी के सहयोग से ये जन्मोत्सव काफ़ी हर्षोल्लास से मना और काफ़ी भव्य मना और प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष काफ़ी भव्य मना और हमारी यही आशा है कि आने वाले वर्षों में भी इससे भी भव्य मने। भाषा की जो कृपा है हम सब पे बरसती है, भक्तों पे बरसती है और भाषा की जो कृपा बरसती है उस कृपा का जो अनुभव है वो तो उनके भक्त ही बता सकते हैं। तो उनके भक्तों को जो कृपा मिलती है उस अनुभव को वो स्वयं ही बता सकते हैं और उनका जो अनुभव है वो इस जन्मोत्सव को इतना भव्य बनाता है कि आज जो भी उत्सव मना है इतना भव्य मनाया हमेशा मनता रहेगा और भाषा की बाजू ही बरसती रहेगी। आपका नाम?